Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear 9th class students, last पे क्या बहुत टाइम हो गया. एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, डाइवर्सिटी, उसका नाम है, पता है. अरे बहुत सताया है, बहुत थकाया है इस चैप्टर ने आपको, बट एक्चुअली आई वॉज बिजी विद क्लास 10, तो उनका सिलेबस बहुत ज्यादा पीछे था. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत सारे चैप्टर्स भी उनके कंप्लीट हुए. ये नहीं सोचना कि हमने आपका जो है बहुत कम किया है कंप्लीट. आप देखिए इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफलाइन क्लासेस से हमने तो केमिस्ट्री लगभग सारी कंप्लीट की है. अब तो बायोलॉजी में आपने टेंशन क्यों लिया. इंशाल्लाह रहमान जब तक मेरे बदन के अंदर जान है अल्लाह के फजल से मैं कंप्लीट करते जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है. तो आज एक छोटा सा टॉपिक मैं लेके आया हूं, बड़ा ब्यूटीफुल है, चॉकलेट जैसा बेटे. उसका नाम है फाइलम हेमिकोडेटा, ठीक है, फाइलम हेमिकोडेटा. तो बेटे टॉपिक है, देखिए सुनिए क्या है. तमाम दुनिया के एनिमल्स जो है ना, हमने उनको बहुत बारी एक ग्रुप में रखा था. इस ग्रुप में तमाम दुनिया के एनिमल्स लाओ और यहां पे रखो. क्या बोलते हैं हम इन्हें, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया. अब देखिए बेटे इसी किंगडम एनिमिलिया को मैं क्या करता हूं बेटे, मैंने इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है मैं इनसे बता रहा हूं, ए ऑर्गेनिज्म्स, ए एनिमल्स, आप में से जिस जिस एनिमल के कैरेक्टर मिलते हैं आपस में, वो मेहरबानी करके अलग अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाओ बेटे. इस किंगडम एनिमिलिया में जो एनिमल जिनके कैरेक्टर आपस में मिलते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गए. कुछ इस ग्रुप में आए और उन्होंने अपने आप को नाम रखा फाइलम पोरिफेरा, कुछ इस ग्रुप में आए उन्होंने अपने आप को नाम रखा फाइलम सिलेंट्रेटा, कुछ इस ग्रुप में आए उन्होंने अपने आप को नाम रखा फाइलम प्लेटहेलमिंथीस, कुछ इस ग्रुप में आए उन्होंने अपने आप को नाम रखा बताइए फाइलम निमेटहेलमिंथीस. इसी तरह बेटे कुछ इस ग्रुप में आए उन्होंने अपने आप को नाम रखा फाइलम बेटे एनिलिडा, कुछ इस ग्रुप में आए उन्होंने अपने आप को नाम रखा फाइलम मोलस्का. इसी तरह बेटे कुछ इसमें एक हायरोडर बेटा, बट बेटे आपको पता है और कुछ इस ग्रुप में आए और उन्होंने अपने आप को बेटे नाम रखा फाइलम हेमिकोडेटा, फाइलम हेमिकोडेटा, एच ई एम आई सी एच ओ आर डी ए टी ए, फाइलम हेमिकोडेटा बेटे हमारा आज का एक टॉपिक है. देखिए बेटे अब ये फाइलम हेमिकोडेटा एक ग्रुप इसने बनाया किंगडम एनिमिलिया में. कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिल रहे थे, वो आए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया. तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बेटे, वो जब यहां पे आए उन्होंने एक ग्रुप बनाया ना, उसी ग्रुप को हमने नाम रखा फाइलम हेमिकोडेटा. देखिए फाइलम हेमिकोडेटा के बेटे 130 स्पीशीज है. कितनी, 130 लिविंग स्पीशीज, एक्सटिंक्ट कोई नहीं हो गई है, 130 लिविंग स्पीशीज. सर टॉपिक है फाइलम हेमिकोडेटा, देखिए एच ई एम आई हेमी सी एच ओ आर डी ए टी ए, फाइलम हेमिकोडेटा. सुनिए हेमी का मतलब फाइलम तो पता ही है, फाइलम मीन्स जब हम एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं वहां जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम फाइलम बोलते हैं बेटे. अब हेमिकोडेटा क्या मतलब, हेमी का मतलब होता है बेटे हाफ, हाफ मीन्स आधा, ठीक है. चाहे साइंस की टर्म में कहीं सेमी हो, एस ई एम आई सेमी मीन्स हाफ, एंड हेमी का मतलब भी हाफ होता है, ठीक है. हेमी मीन्स हाफ एंड कोडेटा, कोडेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बेटे मैंने आपको समझाया है कोडेटा नोटोकॉर्ड. देखिए जरा वो वाला बेटे लेक्चर याद कीजिए जो 1 घंटा 17 मिनट का है, उसमें मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड ये एक स्ट्रक्चर होता है एनिमल्स को, जब वो अपनी मां के पेट के अंदर होते हैं उस वक्त एनिमल्स को बॉडी में एक नोटोकॉर्ड होता है, यानी कि बॉडी में एक रस्सी जैसी होती है, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं. और जो एनिमल्स फिर जब वो एनिमल्स फिर दुनिया में आते हैं, अगर उनको नोटोकॉर्ड मौजूद रहता है तब हम ऐसे एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स बोलते हैं, और अगर वो दुनिया में आने के बाद कुछ एनिमल्स में खत्म हो गया बट तब उन एनिमल्स को हम बोलते हैं क्या,
नॉन कॉर्डेट्स, क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो बेटे दैट मीन्स हेमिकॉर्डेट ऑफ फाइलम, ये वो एनिमल्स का ग्रुप है जिसमें आधा ही नोटोकॉर्ड है, समझ आया, जिसमें माँ के पेट के अंदर जब ये एनिमल्स थे, फाइलम हेमिकॉर्डेट है कि एनिमल्स जब माँ के पेट के अंदर थे उस वक्त इनके पास नोटोकॉर्ड तो था, बट वो बेटे वो नोटोकॉर्ड हाफ था, आधा ही था, इसलिए हम इनको बेटे बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। और आज ये दुनिया में आए हैं बेटे, इन्होंने अपनी मां से जन्म लिया है, आज भी अगर आप इनकी तरफ देखोगे इनमें वो नोटोकॉर्ड आधा ही पाया जाता है। अब सुनना जबरदस्त बात क्या है बेटे, देखिए इसमें क्या था, पहले जमाने में इन फाइलम हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स को समझा जाता था, ये फाइलम नहीं है, इनको समझा जाता था ये एक क्लास है, क्लास का मतलब इनको समझा जाता था एक सब फाइलम है, मेरा मतलब है ये जो फाइलम हेमिकॉर्डेट है ना, इनको पहले जमाने में समझा जाता था ये फाइलम नहीं है बल्कि ये किस ग्रुप का एक मेंबर है बेटे, ये कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा का एक मेंबर है, पहले जमाने में यही समझा जाता। जैसे बेटे बेटसन, बेटसन जानते हैं, अरे फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेटसन, विलियम बेटसन। बेटसन एक ऐसा बंदा है, उसने 1885 में बताया ये जो फाइलम, सॉरी ये जो हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं ये ना छुन फाइलम की है, ये अलग ग्रुप नहीं है बल्कि ये एक फाइलम का सब टाइप है, दैट मीन्स एक फाइलम का क्लास है, दैट मीन्स बेटसन जो है बेटे, BATE, बेटसन, SON, बेटसन, उसने पहले ही बताया ये फाइलम नहीं है, कब बताया था, 1885 में, क्योंकि बेटे इन फाइलम हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स उस वक्त किन के साथ मिलते थे, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के साथ, इसलिए उस वक्त बेटसन ने बोला नहीं जी जितने भी हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स हैं उनको फाइलम कॉर्डेटा में रखो क्योंकि इनके कैरेक्टर उनके साथ मिलते हैं। उसके बाद बेटे चार बड़े बड़े कलाकार आए बेटे, वो काले कलंदर नहीं थे, वो लाल कलंदर थे बेटे, एक का नाम था बेटे, पहला जो था उसका नाम था वैंडर, वैंडर हॉर्स्ट, HORST, वैंडर हॉर्स्ट, और बेटे दूसरा बंदा था उसका नाम था डेविड ऑफ, डेविड ऑफ, तीसरा जो बंदा है उसका नाम था मार्कस, चौथा बेटे बंदा था उसका नाम था हाईमैन। देखिए वैंडर हॉर्स्ट, डेविड ऑफ, मार्कस, हाईमैन, ये चार बंदे आए, इन्होंने बताया बेटसन से, बेटसन साहब आपकी बात जो है, आप जो बता रहे हैं ना कि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा यानी हेमिकॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा में आता है, हेमिकॉर्डेटा अलग फाइलम नहीं है, सुनिए बेटसन साहब हम चार इकट्ठे आपको बता रहे हैं, मैं डेवी वेंडर हॉर्स्ट, मैं डेविडो, मैं मार्कस, मैं हाइमन, हम चार आपको बता रहे हैं कि जो फाइल हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं वो अलग फाइलम में आता है। तो बेटे इन चार ने एक अलग फाइलम इस्टैब्लिश किया जिस फाइलम का नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। अब बेटे हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा। पहला जो बेटे इनका कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर, ठीक है बेटे, वो ये है कि ये बेटे पानी में रहते हैं, और आपको पता है पानी के अंदर समंदर में तो ये रहते हैं, और बेटे समंदर में ये होल्स बनाते हैं, समंदर की जो लेयर नीचे वाली सतह होती है बेटे, वहां पे समंदर के अंदर जो जमीन होती है, मेरा मतलब यह बेटे कोई ओशन, कोई समंदर, कोई वाटर बॉडी, ये पानी है, ये फाइलम हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स तो रहते हैं इस पानी में, बट इस पानी में बेटे साइड में जो जमीन होती है ना उसमें होल्स बन के घुस जाते हैं, इसका मतलब दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, पानी में रहने वाले हैं बेटे। पहला कैरेक्टर ये क्या है, ये मैरीन है, और बेटे इनका दूसरा कैरेक्टर जो है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मुझे अभी नहीं समझाना है बाइलेटरल सिमेट्री,
सर क्यों नहीं समझाओगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बताऊंगा जवाब। बेटे मैंने ऑलरेडी 1000 बार ये बताया है कि बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, ठीक है बेटे। तो अब आपके लिए मैं बता रहा हूं, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म को हम खड़ा दो हिस्से करेंगे, फिर वो दो हिस्से अगर इक्वल बराबर पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम बेटे क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। बेटे इनमें बायलेटरल सिमेट्री भी होती है। और नेक्स्ट बेटे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्या मतलब सर? बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि मुझे बहुत ज्यादा, एक मिनट, आप लाइट आ रही है, मैं स्पेक्स का यूज कर रहा हूं इसलिए मैं आंखें ज्यादा बंद कर रहा हूं, ठीक है, सॉरी। देखें देखिए बेटे, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्चुअली मेरे फोन का जो कैमरा है वहां पर फ्लैश भी मैंने ऑन रखा है इसलिए वहां से लाइट आ रही है, आंखें बार बार बंद करनी पड़ी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो बेटे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि जब ये ऑर्गेनिज्म अपने मां के पेट के अंदर, अपनी मां के शरीर के अंदर होते हैं बेटे, उस वक्त इनमें ये 3 लेयर से बनते हैं। ऑलरेडी मैंने ये चीज आपको बताई है बेटे, तो जब 3 लेयर से बनते हैं ये अपनी मां के शरीर के अंदर, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है बेटे। और बेटे इनमें सीलोम होता है, ये चीज भी मैंने आपको बताई है। डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी की दीवार के बीच में जो बेटे गैप, जो स्पेस होती है, उसको बेटे हम बोलते हैं सीलोम। और अगर हम इनकी तरफ देखेंगे बेटे, इनमें सीलोम होता है, इनमें खाली जगह होती है डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी के वाल के बीच में, बेटे वहां पे स्पेस होती है, सीलोम होता है, बट वो ब्लड फिल्ड होता है, उसमें बेटे ब्लड होता है, इसीलिए ऐसा सीलोम जिस सीलोम में बेटे ब्लड पाया जाता है उसको हम हीमोसील बोलते हैं बेटे, हीमोसील, COELC। हीमोसील का मतलब ये वो सीलोम होता है व्हेन देयर इज ब्लड प्रेजेंट, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर बेटे हम फाइलम हिमिकॉर्डेटा का देखेंगे, वो यह बेटे कि इनकी बॉडी जो है वो मुलायम होती है, बहुत सॉफ्ट होती है बेटे, सॉफ्ट बॉडी इनकी होती है, ठीक है बेटे। हाँ, ये इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटे, ये वॉर्म लाइक होते हैं, आपने बेटे वॉर्म देखे हैं, राउंड वॉर्म देखे हैं, एस्टेरिस प्लैटिहेलमिंथीज वगैरह देखे हैं बेटे, हाँ वॉर्म जैसे होते हैं ना बिल्कुल, यानी कि बॉडी के अंदर हमारी वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म होता है, अर्थ वॉर्म होता है, बिल्कुल बेटे ये भी वॉर्म लाइक होते हैं, वॉर्म लाइक, ठीक है। अब देखिए, चलिए बेटे अगर हम इनकी बॉडी की यानी कि डिविजिबिलिटी की बात करेंगे बेटे, इनकी बॉडी को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, मेरा मतलब है कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, एज वी आल्सो हैव हेड, हमारे फिर नेक और मैन बॉडी, बेटे इनके पास भी क्या होता है, इनके पास भी एक हेड होता है, उसका नाम अलग है, प्रोबोसिस हम उसे बोलते हैं बेटे, इनके पास भी यानी कि नेक जैसा होता है और टेल जैसी होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है बेटे। तो यहां पे मैं एक फाइलम इखाइनो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म बना लेता हूं, उसी से मैं आपको दिखा सकता हूं बेटे इनका जो सिट्रा यानी कि इनका के जो 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो कौन कौन से होते हैं बेटे। यहां पे आप एक फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एक ऑर्गेनिज्म है बेटे, इसका नाम है बैलेनोग्रोसिस, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा में आता है, मैं आपको बेटे इसमें दिखा सकता हूं कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जितने भी फाइलम हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गेनिज्म है बेटे उनमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ये वाला जो पार्ट है बेटे ऊपर वाला, इसको हम बैला, इसको बेटे हम बोलते हैं प्रोबोसिस, क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, PROBOSCIS, प्रोबोसिस बोलो या सन आउट बोलो, SNOUT, सन आउट बेटे। पहला जो ऊपर वाला पार्ट है जो हेड जैसा होता है इसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं, और या बेटे इसी का दूसरा नाम है सन आउट, ठीक है। और बेटे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट, इसको हम बेटे कॉलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी, और एक मिनट बेटे मैं मार्कर चेंज करता हूं, दूसरा जो है इसको हम कॉलर बोलते हैं, COLLAR, कॉलर, ये वाला पार्ट, ठीक है। और बेटे तीसरा जो ये वाला पार्ट है यहां से लेके यहां से यहां तक, इसको हम बेटे ट्रंक बोलते हैं, TRUNK, ट्रंक। दैट मीन्स फाइलम हेमिकॉर्डेटा में बेटे 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के, हाँ ऊपर वाला प्रोबोसिस या सन आउट, और दूसरा कॉलर, एंड तीसरा बेटे होता है इनके पास ट्रंक।
ट्रंक। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की ओर आके आप देख सकते हैं। अब अगर हम इनके बॉडी की लेयर्स की बात करेंगे बेटे, इनकी बॉडी के ऊपर एक ही लेयर होती है बेटे, याद रखना इनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक लेयर होती है, यानी कि सिंगल लेयर, ठीक है, सिंगल लेयर, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बेटे इसको असल में चमड़ी जो ऊपर होती है, ठीक है, चमड़ी जो इनकी बॉडी के ऊपर होती है उसी को हम बेटे एपिडर्मिस बोलते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक ही कवरिंग होती है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करोगे बेटे वो कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट। मैंने ये भी समझाया है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब जब फूड खाने के लिए अलग होल होता है और पेशाब करने के लिए अलग होल होता है उसको बेटे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट ये बेटे रेस्पायरेशन भी करते हैं, बट गिल रेस्पायरेशन। कौन सी रेस्पायरेशन? गिल रेस्पायरेशन। इनको यहां पे बेटे दूसरे पार्ट कॉलर में गिल्स होते हैं, वहां से रेस्पायरेशन करते हैं। बट एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके पास स्टोमोकॉर्ड होता है, स्टोमोकॉर्ड, CHORD, स्टोमोकॉर्ड, STOMOCHORD, स्टोमोकॉर्ड। देखिए बेटे स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, ये एक धागा जैसा होता है या एक रस्सी जैसा होता है जो हॉलो होता है, ठीक है, उसको हम ब्यूकम अपेंडिक्यूलम बोलते हैं, ठीक है। देखिए बेटे कहां से स्टार्ट होता है, इनके पास ये स्टोमोकॉर्ड होता है कहां पे, कॉलर जो है ना, कॉलर से बेटे, कॉलर जो है असल में इनका जो माउथ है पहले हम उसी को देखेंगे बेटे, जो इनका कॉलर है ना, कॉलर और प्रोबोसिस के बीच में इनका माउथ होता है, यहां पे क्या होता है, कॉलर और प्रोबोसिस के बीच में माउथ होता है, इसी माउथ से बेटे एक धागा निकलता है, एक रस्सी जैसी स्टार्ट होती है बेटे, ऐसी एक रस्सी होती है, उसी रस्सी को हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। वही बेटे नोटोकॉर्ड जैसा होता है, वर्टिब्रल कॉलम जैसा होता है बेटे, नोटोकॉर्ड जैसा होता है, इसीलिए हम इनको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, इसीलिए बेटे, क्योंकि हेमी का मतलब आधा, कॉर्ड का मतलब नोटोकॉर्ड, तो इनके पास आधी बॉडी में नोटोकॉर्ड होता है, इसीलिए हम इन्हें हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, तो स्टोमोकॉर्ड इनके पास होता है। चलिए बेटे अब हम देखेंगे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, वो बेटे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या मतलब सर? मैंने हजार बार नहीं, मुझे लगता है हजार प्लस हजार बार बोला है। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब जब ब्लड बेटे बॉडी की वाल में, बॉडी की का जो सीलोम होता है, बॉडी की जो कैविटी होती है उसी में प्रेजेंट होता है, तो जब ब्लड ब्लड वेसल्स में नहीं होता है, ब्लड कहां पे होता है, सीलोम में जब प्रेजेंट होता है, तो बेटे ऐसा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसी को हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटे हेमिकॉर्डेटम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स इनके पास हार्ट भी नहीं है, दैट मीन्स इनके पास ब्लड वेसल्स भी नहीं है। सर ब्लड होता है? हाँ बेटे होता है, बट कलरलेस होता है, कलरलेस ब्लड होता है। तो बेटे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। समझ आया यहां तक बेटे? चलिए आगे, अब हम इनके पेशाब की बात करेंगे, पेशाब करने वाले ऑर्गन की बात करेंगे बेटे। इनके पास एक स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बेटे पेशाब को बाहर निकालने के लिए। बेटे इनके पास यहां प्रोबोसिस में, देखिए माउथ कहां पे, माउथ प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में, ठीक है ना, क्या होता है बेटे माउथ, और अब जो इनका ऊपर वाला प्रोबोसिस होता है, प्रोबोस में बेटे एक छेद होता है, उसी को हम बेटे उस वो छेद जो है वो एनस का काम करता है। देखिए बेटे इनके पास एक ऑर्गन होता है जो पेशाब को बनाता है बेटे, उस ऑर्गन को बेटे हम बोलते हैं प्रोबोसिस, प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है, या बेटे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। तो बेटे इनके पास प्रोबोसिस ग्लैंड, हाँ प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, प्रोबोसिस एक ऑर्गन है ऊपर वाला इनका, प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, उसी को हम ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं बेटे, वो पेशाब को बाहर निकालता है, वो पेशाब को बनाता है फिर बाहर निकालता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं, यानी कि इनके पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है।
पेशाब के बनाने के लिए। बेटे नेक्स्ट, हाँ देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटे इनका वो ये है कि इन इनमें नर्वस भी होती हैं, इंट्रा एपिडर्मल नर्वस प्लेक्सस, ठीक है ना। क्या मतलब, देखिए इनकी जो चमड़ी है एक ही लेयर की है ना ऊपर, उसी चमड़ी के बिल्कुल नीचे से, उस चमड़ी के बिल्कुल नीचे से इंट्रा विद इन, अब देखिए असल में होता है वो जो इनकी ऊपर से चमड़ी होती है ना, चमड़ी के अंदर से असल में होता है, बट दैट टच इनसाइड यानी कि इनसाइड सरफेस ऑफ दिस, ठीक है। तो बेटे हेमिकॉर्डेटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके ऊपर से एक चमड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उस एपिडर्मिस जो चमड़ी है ना उसी में नर्व्स होती हैं। क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं। दैट मींस इनके पास नर्व सिस्टम होता है, टच करोगे या ऐसे जाएंगे, टच करोगे या ऐसे करेंगे, ठीक है। तो बेटे ऐसा नर्व सिस्टम इनके पास होता है, वो होता है इंट्रा एपिडर्मल, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, PLEXUS उसका नाम है, इंट्रा एपिडर्मल नर्व प्लेक्सस, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं बेटे, रिप्रोडक्शन, नस्ल कशी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। बेटे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सेस को शेयर करके रिप्रोडक्शन करते हैं बेटे, याद रखना। इन ये सेक्सेस आर सेपरेट, क्या मतलब, इनके पास मेल्स भी होते हैं बेटे, फीमेल्स भी होती है, इनके मेल्स भी होते हैं और बेटे इनकी फीमेल्स भी होती हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट, अब देखिए और जब क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है? नहीं बेटे, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मेल है, यह है फीमेल, मेल ने सेक्स सेल दी वो यहां पे आ गई, फीमेल ने सेक्स सेल दी वो यहां पे आ गई, ये बॉडी के बाहर सेक्स सेल्स मिलती हैं। अब देखिए ऐसी फर्टिलाइजेशन को बेटे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आप बेटे जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गई वहां पे जायगोट बनेगा, वहां पे एम्ब्रियो बनेगा, वहां पे बेटे मोरूला बनेगा, वहां पे फिर लार्वा बनेगा, लार्वा लार्वा फिर कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फाइनली बेटे वो अपने मां बाप जैसे मिलेगा। दैट मींस जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट वो इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज पाया जाता है। बच्चा अपने मां बाप जैसा नहीं होता है बल्कि वो क्या हमसाय जैसा होता है। नहीं बेटे, बच्चा जो है वो अपने मां बाप जैसा नहीं, बल्कि बच्चा जो है बेटे वो कुछ और शक्ल इख्तियार पहले करता है, फिर कुछ और बनता है, फिर कुछ और शक्ल इख्तियार करता है, फाइनल एक स्टेज उसकी जिंदगी का ऐसा आता है वो अपने मां बाप जैसा दिखाई देता है, जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो अपने क्लास 8 में चैप्टर रिप्रोडक्शन एनिमल्स में पढ़ा है। समझ आ बेटे, क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है, समझ आ बेटे। अब हम बेटे इनका देखेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि इसके कितने टाइप्स हैं या क्लासेस कितने हैं। बेटे जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है इसके बेटे तीन क्लासेस हैं, इसके तीन टाइप्स हैं। मैंने आपको बताया है जब हम किंगडम एनिमिलिया को डिवाइड करते हैं वहां पे फाइलम्स बनते हैं, फाइलम को डिवाइड करो क्लास बनता है, क्लास को डिवाइड करो फिर क्या बनता है, कीपॉड्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गैप सिक, ठीक है। चलिए तो बेटे फाइलम हेमिकॉर्डेटा की जितने भी एनिमल्स हैं हमने उनको तीन क्लास में डिवाइड किया है। पहला क्लास है बेटे प्लैक्टो सेफिरोइडिया, PLECTOSPHAEROIDEA, प्लैक्टो सेफिरोइडिया एक क्लास होता है इनका, समझ आ बेटे। दूसरा क्लास है उसको हम एंटीरोपन्योस्टिया बोलते हैं, ENTEROPNEUSTA, एंटीरोपन्योस्टिया, ठीक है बेटे। इसी एंटीरोपन्योस्टिया का नाम है बेटे, इसी का दूसरा नाम है एकोरन वॉर्मस, एकोरन वॉर्मस, ठीक है, किसका, एंटीरोपनोस्टिया का। और बेटे तीसरा जो इनका क्लास है वह है टीरोब्रांकाया, PTEROBRANCHIA, टीरोब्रांकाया, किनका तीसरा क्लास है फाइलम हेमिकॉर्डेटा का। तो बेटे तीन क्लासेस वो बताइए, पहला क्लास प्लैक्टो सेफिरोइडिया, दूसरा क्लास एंटीरोपनोस्टिया, तीसरा क्लास टीरोब्रांकाया, ठीक है बेटे। अब लास्ट पे बेटे इनकी एग्जांपल, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल, सर तंग किया आपने, अब एग्जांपल बता के जल्दी जाइए ना बेटे। इनकी बेस्ट एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसिस, बी ए एल ए बैलेनो
GLOSIS, बैलेनोग्लोसिस एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो पानी में रहता है, क्योंकि सारे इसके जानवर पानी में रहते हैं। जो अभी मैंने बनाया था ना वो था बेटे बैलेनोग्लोसिस। अब सुनिए, अब बेटे इस टॉपिक के बाद ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था। चॉकलेट जैसा मजा था, चॉकलेट जैसा था या मिर्ची जैसा मजा था बताइए, या नमक? देखिए सुनिए, अब बेटे इस टॉपिक के बाद हमारा सिर्फ एक फाइलम रहता है आपके लिए, मैं एक फाइलम लेके आऊंगा इंशाल्लाह विद इन डेज। उसका नाम है बेटे फाइलम कॉडेटा। एक अच्छा फाइलम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा क्योंकि हमारे से बहुत रिलेट है। बट अगर आप बुक में जाओगे बेटे, कुछ बुक्स में लिखा है फाइलम हेमिकॉडेटा और फाइलम प्रोकॉडेटा एक होता है, गलत। कुछ बुक्स में लिखा है बेटे फाइलम हेमिकॉडेटा कॉडेटा का एक फाइलम है, गलत। बेटे कुछ बुक्स में लिखा है एस्चिरोकॉडेटा, बाकी वगैरह जो है बाकी इंशाल्लाह मैं तब ही समझाता हूं। और इस चैप्टर में बेटे हार्डली बेटे 2 या 3 लेक्चर्स और लगेंगे, उसके बाद तुकड़ी तहर में छिपाई। चलिए अल्लाह हाफिज़।